Vijay Jyoti. Vijay Jyoti. Ye sar se kafan ko baandh jo sarhad ki hifazat karte hain, ye bhi bachchon se phoolon se rishton se mohabbat karte hain, apni khushiyon ko bhool ke aaron ko hansane nikle hain, ye apne khoon ki lali se dharti ko sajane nikle hain. Butter upar yaad karun main nakre ghar yaad ke kitni main आंसू पड़ गए ओ घुंघटियाली के. नमस्कार. 15 अगस्त के इस पावन और पुनीत अवसर पर मैं आशीष विद्यार्थी फिर हाजिर हूं आपके सम्मुख विजय ज्योति की एक और कड़ी लेकर. विजय ज्योति जो एक कड़ी है परिवारों और पहरेदारों के बीच. जी हां, आज हमारी पहली वर्षगांठ है. पिछले एक साल से हम आपकी भावनाएं पहुंचाते आए हैं अपने फौजी भाइयों और अफसरों तक, और उनकी कहानी पहुंचाते आए हैं आप तक. वक्त इतनी जल्दी बीत जाता है पता भी नहीं चलता. आज अपनी पहली वर्षगांठ पर हम आपके लिए लाए हैं एक चेक जिस पर लिखी है रकम 500 रुपए, या जिसे आप कहेंगे सिर्फ 500 रुपए, 500 रुपीज ओनली. ये चेक भेजा है श्री सुरेंद्र सिंह कटियार ने बुलंदशहर यूपी से. बहुत बहुत शुक्रिया. अजीब बात है ना, इस युग में जब लोग कहते हैं कि कौन बनेगा लखपति या कौन बनेगा करोड़पति, हम बात कर रहे हैं एक चेक की जिस पर लिखा है सिर्फ रुपीज 500 ओनली. ये चेक हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि ये चेक विजय ज्योति कार्यक्रम ने किसी को नहीं दिया है, बल्कि आपके जैसे एक दर्शक ने हमें भेजा है, हमें आशीर्वाद भेजा है ताकि हम इस रुपयों से अपनी पूरी यूनिट के लिए मिठाई ला सकें. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. यकीन मानिए, जब हमने विजय ज्योति कार्यक्रम बनाने की ठानी तब हमने ये कभी नहीं सोचा था कि हम देशभक्त बनाएंगे, क्योंकि तो देशभक्त बनते नहीं हैं. देशभक्त वहां पर हैं, और उन देशभक्तों के लिए पिछले एक साल से निरंतर लगातार हम इस कार्यक्रम के जरिए कुछ बातें कहते आए हैं, ताकि हमारे फौजी भाइयों और अफसरों को भी लगे, उनको यकीन दिलाया जाए कि उनकी याद लाखों करोड़ों लोग कर रहे हैं. ये 500 का चेक नहीं, 500 हजार करोड़ का चेक है जिसे हम नतमस्तक स्वीकार करते हैं. अब बात आज के एपिसोड की. जैसे आपने देखा कि आज के एपिसोड की शुरुआत कुछ अलग थी, यकीन मानिए आज का एपिसोड भी कुछ अलग है. पिछले एक साल से हम आप तक रणभूमि में हमारे लिए लड़ने वाले जवान और अफसरों की कहानी बताते आए हैं. आज यकीन मानिए मैं बेमानी हूं, मैं हूं सिर्फ एक सूत्रधार, क्योंकि आज हमें इस एपिसोड से अवगत कराएंगे दो नायक. ये दो नायक अपनी असल जिंदगी की भूमिका जिएंगे हमारे और आपके. ये दो नौजवान कुछ दिनों पहले तक हजारों लाखों ग्रेजुएट की तरह आम ग्रेजुएट, लेकिन कुछ दिनों पहले इन्होंने एक इश्तहार देखा जिसमें लिखा था डू यू हैव इट इन यू, क्या आप में वो मादा है. द इंडियन आर्मी, डू यू हैव इट इन यू. Do you have it in you? लेकिन इन दोनों ने हजारों लाखों लोगों की तरह उस इश्तहार को पढ़कर फेंक नहीं दिया, बल्कि सोचा और ठान कर कहा अब तो करना है यार. ये क्या है,
Do you have it in you? कोई शक है क्या? I always had it in me, यार. तेरे बातों को क्या हो गया? All set to go. कहाँ? Where else? IM में. Of course. तू जाएगा तो मैं भी जाऊँगा यार. बिल्कुल यार. Mr. Amit, Bhardwaj. Next one, please. Oi, Amit! Oi, Amit! Aunty, my selection is gone, Aunty. Aunty, I'll see you in the middle. Amit, where are you? Amit! My selection is gone, Amit! Oh, that's it, man! सबसे पहले मेरा लेटर आ गया सही होता सही में अरे यार बस आंटी मिठाई खिला दो अब तक जल्दी से हाँ अंदर आ सुनो 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 फैमिली के साथ एंजॉय करना है तो देखो अमित और अर्जुन हमारी मुबारकबाद भी कबूल कीजिए कहते हैं ना जहाँ पर चाह होती है वहां पर राह खुद ब खुद निकल आती है आप अपनी जिंदगी का पहला पड़ाव पार कर चुके हैं लेकिन अब शुरू होता है वो सफर जो आप में वो तब्दीली लाएगा कि आप एक आम नागरिक से बदल कर बन जाएंगे भारतीय सेना के एक सजग और बहादुर अफसर आइए चलते हैं उस जगह पर जहां पर सोना तप के कुंदन बनता है भारत का पहला मिलिट्री अकेडमी IMA देहरादून श्रीमान तीन जनरल के मंसूरी एक्सप्रेस है ठीक है साहब इनको भेजे एक एक करके मेरे पास साहब जन साहब जन स्टडी बैट सामने से तेज चल मुंह में क्या चबा रहे हैं आप के डॉक्यूमेंट अर्जुन छब्बा स्टैंड देयर जेंटलमैन आई वेलकम यू टू द इंडियन मिलिट्री अकेडमी GC Amit and Arjun, you have been allotted Imphal Company. GC Tejinder Singh, you have been allotted Punch Company. Corporal Best. So, gentlemen, Corporal Best, he'll be taking you to your rooms. Corporal Best, please take them to the ante room for a cup of tea sir? And ensure that they have a proper haircut before you take them to their respective company. Yes. Okay, carry on. Great, yeah. General forecast of events. अबे अटैच बाथरूम भी है हाँ साथ में गीजर भी बनावा ग्रेट टाइम बस थोड़ा रहा और कुछ खाने को निकाल यार यार आराम रूम छोड़ थोड़ा सेटल डाउन हो जाए और कुछ खाने को निकाल यार बहुत भूख लग रही है मेरा सारा का सारा सामान सीनियर लूट गया यार खाने को तो काफी कुछ है जस्ट होल्ड एक मिनट ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी का डाइनिंग हॉल है जहां पर जूनियर्स और सीनियर्स जेंटलमैन कैडेट्स साथ बैठकर डिसिप्लिन के साथ खाना खाते हैं दर्शकों आपने कुछ एक मिलिट्री टर्म्स सुने होंगे जैसे परेड जैसे मार्च पास जैसे सलूट लेकिन क्या आपने ये टर्म सुना है रगड़ा नहीं सुना ना लेकिन रगड़ा के बारे में हमें बताएंगे अमित और अर्जुन How are you? Had your breakfast today? No. Good. The kids shouldn't have breakfast. Wanna have lunch? Hungry? Yes. Good.
Thirsty first? No. Just too bad. Fast water. Friend, this is your lunch. Pour a glass of water. Want to have water? No, sir. Ikki pani nahi piyega. Friend, wishes your horses, you know what. Start having it. Hurry up. How's it feeling? Don't worry. Now is your main plate, isn't it? Open your plate. Close it. Open it fast. Take another glass of water. Have it fast. The main plate, friend. Didn't have his breakfast. Why? Yeah, friend. How many glasses you had? Five. Cha, counting. Good. Ginti rakh raha hai bachcha. Have one more. This is your pudding coming on. Like tipsy, isn't it? Sir. This is with cream. Have it. Yeah, what are you looking at? It's your turn next. Kya iska kuch care le yaar. Open a plate. Close that. This is the way you open it. What's your name? Sir, this is Arjun Chabba. Good name. You think you have come to a hotel? Open it. Take rice. Start having. Slow. Tastes good, isn't it? Sit up. How are you in geometry? Good. You are good? Yes. I'll make you better. Don't worry. Now you'll have square meal. You know what is a square meal? Yes. Good. Start off. Don't take it to the mouth. Put it down. You know the difference between a square and a rectangle? Sit up. Yes. You have made a rectangle now. Make a square. Understood? Yes. Turn off. This is better. Good, good. Close the plate. Sit up. Fine, keep sitting. Z birthday Mala Malutsav. Audited by Ernst & Young. Oye, uthi yaar, 4 baj gaye hain. Ha!
Morning, sir. Morning. Sir, you follow me. PS 40, on parade 38. Two GCs are absent. Sir, they have gone for kit issue. Kit issue? Yes. Okay. Get inside. Morning, sir. Morning. Relax, gentlemen. Okay, welcome to the Indian Military Academy. How many classes you already had? Any class? No class. This is first class, okay? So I am the privileged one to have your first class. And the first class itself starts with what is known as military history, the profession which you have joined voluntarily. Isn't it? Yes, sir. What were you doing before coming to this place? Sir, I am from NDA. NDA, okay. And what were you doing? Sir, I was doing law in Amritsar. Law, my God. Anybody who was doing hotel management, agriculture? Yes. What were you doing? Sir, I was working at American Express Bank. Which bank? American Express. American Express Bank. My God, you must have taken a hard decision. Yes, who else? Anybody other than this? Yes? I was doing MCA, sir. MCA, very good. So, gentlemen, I find there is a lot of diversity in the class. The class consists of people from law, people from hotel management, people from banking industry, and there's a chap who has come from the NDA. So in NDA, you are, must be familiar with all this, okay? Gentlemen, now I'm going to talk to you and tell you what is this military history about and why do you require to study it. इसे तेज दृष्टि के नाम से जाना जाता है। इस्तेमाल तेज चाल व धीरे चाल में कदम की लंबाई नापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जरूरी बात है कि एक सिविल साचे से सैन्य ढांचे में जब जनमन के लिए जाता है तो उसको कदमों का इतना अभ्यास नहीं होता है। उसको एक सैन्य ढांचे व सैन्य पट्टी में डालने के लिए उनके कदमों की लंबाई को नापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सर ये फिर सेंटी हो गया। देखो चिट्ठी लिख रहा है घर। सर कुछ समझाओ ना इसको। क्या हो गया तेरे को? क्या टेंशन है? अरे क्यों घर वालों को परेशान कर रहा है यार? ये सब थोड़ी दिन की बात है। इसका ऐश तो तेज होके गोज बाद में ऐश है। चल कम ऑन चल अप चलो टीवी देखते हैं। चल गुड यार दैट्स इट। विजय ज्योति Go! Yeah, better. Bhardwaj, watch him. Now. Yeah. Go. Yeah, better. Now, Bhardwaj, you. Forget it. Away. Ha. Amit Bhardwaj, come here. So, Amit, you have shown a good and a fair amount of josh for the game, but I'm afraid that you're not cut out for riding. But never mind, you can follow some other hobby. So, go. Oh, Amit. सुना है तो घोड़े से गिर गया। हाँ यार, it was one of those
पिकपॉकेट्स, काफी गैलेंट था सेट पहले आप। तो आप क्या करने की सोचा? सोच रहा हूँ लेट्स लीव दिस राइडिंग एंड जंपिंग एंड पेंट दीज हॉर्सेस ब्लैक एंड व्हाइट। चल यार मिस्टर फ्लक, शायद तू वहां पे कहीं ना गिरे। गिरना, गिरने के बाद उठना, उठने के बाद संभलना और फिर चौकन्ने होकर दृढ़ निश्चय के साथ, संकल्प के साथ आगे बढ़ना। इंडियन मिलिट्री के ऑफिसर्स को हमेशा यह सिखाया जाता है कि उनका काम सिर्फ लड़ना नहीं, उनकी बहुमुखी प्रतिभा को निखारने का उन्हें मौका दिया जाता है ताकि वो अपने मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी को डेवलप कर सके। अभी तो सिर्फ 6 महीने ही बीते हैं, 6 महीने और भी बाकी हैं, इसलिए हम मिलेंगे अगले हफ्ते दोबारा अर्जुन और अमित से। लेकिन जाते जाते एक छोटी सी बात, ग्रेजुएशन के बाद नौकरी कहाँ, किसी मल्टीनेशनल में या फिर किसी नेशनल कॉज में, सोचिएगा जरूर। मुझको क्या हुआ है, जो मैं हो गया हूँ, पागल था मैं पहले या अब हो गया हूँ, बैठी है निगाहें और बिखरे हैं मन, तुमने बनाया है क्या अपना ये हाल, कोई मिल गया, कोई मिल गया, मेरा दिल गया, मेरा मिल गया, क्या बताऊँ यारो, क्या बताऊँ यारो, मैं तो हिल गया, मैं तो हिल गया, कोई मिल गया, मिल ही गया, मिल गया, ए, मिल ही गया, मिल गया, मुझको क्या हुआ है, क्यों मैं खो गया हूँ, पागल था मैं पहले या अब हो गया हूँ, बैठी है निगाहें और बिखरे हैं बस, तुमने बनाया है क्या अपना ये हाल, कोई मिल गया, कोई मिल गया, मेरा दिल गया, मेरा दिल गया, क्या बताऊँ यारो, क्या बताऊँ यारो, मैं तो हिल गया, मैं तो हिल गया, कोई मिल गया, मिल ही गया, मिल गया, मिल ही गया, नमस्कार। विजय ज्योति के पहले वर्षगांठ के दूसरे स्पेशल एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आशीष विद्यार्थी और जी हां, ये है विजय ज्योति जो है एक कड़ी परिवारों और पहरेदारों के बीच। पिछले हफ्ते आपने देखा कि हमने आपको एक फिल्म दिखाना शुरू किया, लेकिन इस फिल्म की एक खास बात यह है कि इस फिल्म में कोई अभिनेता नहीं है, मैं तो सिर्फ सूत्रधार हूँ। इस फिल्म के सभी कलाकार अपने ही रोल अभिनय कर रहे हैं। हम लोग फॉलो कर रहे हैं अमित भारद्वाज और अर्जुन प्रताप सिंह छब्बा को, जो थे आम ग्रेजुएट। फिर एक दिन उन्होंने देखा एक एड, एक इश्तेहार जिसमें लिखा था डू यू हैव इट इन यू, द इंडियन आर्मी, डू यू हैव इट इन यू, और उन लोगों ने ठान लिया कि वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करेंगे। उन्होंने एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास किया और पिछले एपिसोड में हमने उन लोगों के 6 महीने की ट्रेनिंग का निचोड़ आपको दिखाया। हमने देखा कैसे एक आम ग्रेजुएट बना जेंटलमैन कैडेट। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कैसे ये दो जेंटलमैन कैडेट्स 6 महीने और ट्रेनिंग लेने के बाद बनेंगे लेफ्टिनेंट अमित भारद्वाज और लेफ्टिनेंट अर्जुन प्रताप सिंह छब्बा, इंडियन मिलिट्री के ऑफिसर्स जो बनेंगे हमारे रखवाले। ओवर टू IMA देहरादून। Thank you.
subject of the law. You had your class on the hearing of charge yesterday. That was, and it is quite clear to you now that any offense which is committed in the army by a jawan or any person, at the hearing of charge, there are certain options which are available to the battalion commander. What are these options? Can someone tell me? Okay, Amit. So the options available with the battalion commander are, firstly, he can dispose of the case under his summary powers. Secondly, he can pass it on to the higher military authorities. And thirdly, ask for the evidence to be reduced in written. Okay, well done. Sit down. Now, various types of guidance systems which are available are beam riding guidance, command guidance, homing guidance, active homing, semi-active homing, passive homing, inertial guidance, celestial and terrestrial guidance. Now, as for the beam riding guidance is concerned, in case you look at the viewfoil, then you can see that there is a one beam forming radar is there which continuously tracks the target throughout the moment it has entered in the our territory. And the missile launcher which is put into action, a missile will be launched. It will come, the missile system, the guidance system which is fitted here will detect the error between the missile axis and the center of the beam and get the command to come in the center of the beam. क्या तकलीफ है सर? बहुत बुखार हो रहा था। कितने दिन से? तीन दिन से। खांसी भी हो रही है। खांसी में कुछ निकलता है? बलगम आ रही है। बस टर्न अराउंड, पीछे दिखाइए। लंबा सांस लो। ओके ये दवाइयाँ दी है, तीन दिन खा लेना, दो दिन आराम करो और ठीक नहीं होगा तो फिर दो दिन बाद बताइएगा। यस। थैंक यू। कैरी ऑन। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द व्यूअर्स हु रिसीव्ड। लेट्स सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैप रीडिंग। Firstly, it helps you to find out your own position so that relating on the ground you can know where you are. Also, it helps you in carrying out your operations. That is, you have to go from place A to place B. You can find your route selected off the map and then go from place A to place B without any problem. War obstacle ka aim, dushman ko delay karna, demoral karna, disorganize karna aur surprise karna hai. War obstacle apne defense se 40 meter aage ले किया जाता है, उसके आगे माइंड फील्ड होता है ताकि दुश्मन अपने डिफेंस के ऊपर हैंड ग्रेनेड न फेंक सके। जेंटलमैन, कल आपने माइंड फील्ड का डेमोस्ट्रेशन किया था, उसके ऊपर आज हम ग्राउंड में ग्राउंड के ऊपर माइंड फील्ड लगाएंगे। पार्टी ए कंट्रोल जांच चार जवान। जेंटलमैन, भाई लगाते समय किसी बातचीत नहीं करना, बिल्कुल साइलेंट होना चाहिए, दुश्मन को हमारे बारे में पता नहीं चला जाए। ओके जेंटलमैन, नाउ वी कम ऑन टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द घातक प्लाटून। बिफोर वी गो ऑन टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, लेट अस सी द पैरामीटर्स व्हाई दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन मेड। सी द बेसिक घातक प्लाटून इज बेस्ड ऑन हिट एंड रन टैक्टिक्स। इट इज नॉट गोइंग टू होल्ड ग्राउंड। इट हैज वेरी लिमिटेड फायर पावर। इट शुड नॉट डाइल्यूट द फायर पावर ऑफ इट्स main body, and it should be able to survive independently into sub teams. So based on this, let us now see what are these various organizations. Okay gentlemen, today we are going to learn about vowels. We will have a practice session where you will repeat the words after me. So please open your books to lesson 2 alpha, exercise 1, and repeat the words after me. Each, each, eager, eager, east, east,
easy, easy, equal, equal, even, even, evening, evening, evil, evil. Okay, gentlemen, now put on your headphones and practice this lesson on your own. Vishram, gentlemen, जैसे कि आपने स्पॉट पोस्ट ट्रेनिंग के दौरान सीखा कि वेपन ट्रेनिंग का मुद्दा एक गोली एक दुश्मन होता है, आज आप देख रहे हैं समॉल आर्म ट्रेनिंग सिमुलेटर, जिसके अंदर आप फायर करेंगे और आपकी गोली कहाँ लगती है, इसके अंदर आप क्या गलती करते हैं वो कार्रवाई करके दिखाया जाएगा। आज आपका सेट्स का पहला दिन है, इसलिए इसके अंदर आप सबसे पहले फंडामेंटल प्रैक्टिस करेंगे। इटेर लाइन पोजीशन, हाँ लोग इटेर भर, अपने अपने टारगेट के ऊपर 10 राउंड फायर। Gentlemen, in few weeks from now, you are going to be commissioned officers in Indian Army. Most of you will be going to Kashmir Valley and Northeast, fighting counter-insurgency operations. Thus, it becomes imperative that you are fully aware of various aspects of CIOP. Today, we'll be practicing house clearance drill. A tactical picture will be painted to you that four militants have held a hostage in a house. You will make your outline plan and execute the mission. Any doubts? No, sir. Okay, here we go. Mission. Today's mission is house clearance drill in Punjab Hut. Int reports have told that there are four militants inside holding one hostage. Direction of approach will be southwest. Rohit, you along with your sub-team cover the back of the house. Once the top is cleared, my team will clear room number one. Chanda, you along with Butter will rescue the hostage. Any doubts? No, sir. Okay, gentlemen, all the best. Here we go. Come on, come on!
ब्राह्मण, तुझे पैसे भी मिलेंगे और शादी भी होगी। अब तू ऐसा कर, मेरी और कस्तूरी की दोबारा शादी करा दे। हाँ दिन रह गए पास आउट होने को यार। हाँ यार, याद है इकट्ठे आए थे हम अकेडमी में। पता नहीं कहाँ होगी तेरी पोस्टिंग और कब मिलेंगे यार। बढ़िया, तू सेंटी क्यों हो जाता है यार? हैं, देख कितने दोस्त बने हैं हमारे। और वैसे भी हम ही सच अ स्मॉल प्लेस यार, वी कीप मीटिंग ईच अदर। तू ये बता, फोन किस लिए होते हैं? नेहा को करने के लिए? कभी हमें भी फोन कर दिया करना। स्टॉप जोकिंग यार। छोड़ यार। What about Simran? कब शादी कर रहा है? बस पासिंग आउट होते ही शादी कर लूंगा यार। चले let's move. No celebrity. Okay. Today drill competition. Good show, all 30 of us. All officers said that we mostly will come in first three. Good show. All juniors, give them a big hand. Yaro, thought for the day. A timid person is frightened before a danger, a coward during the time, and a courageous person afterwards. Okay, AC orders. All third termers, including battalion appointments, ACL order 2100 hours. Shivalik dress square today. Third termers, please don't be late for that. Third period for third termers, pipping ceremony at Khetarpal. On 28th, our battalion, Karyappa and Thimaya, will have full dress rehearsal for the POP practice. Full dress rehearsal means you will carry your service rifles. Okay, on 27th, 6th and 7th period, auditorium for third termers, CO 21RR will address. Seating is at 1120 hours. Gentlemen cadets, good morning. It gives me great pleasure to welcome you all to the finest institution, not only in this country, but perhaps the finest in the world, the Indian Military Academy. You are today seated in the most hallowed and sacred part of the academy, the Chetwood building. The Chetwood motif is inscribed on the wall here. And read, the safety, honor, and welfare of your country comes first, always and every time. The honor, welfare, and comfort of the men you command comes next, always and every time. And your own ease, comfort, and safety comes last, always and every time. This, gentlemen, shall form the very foundation of your transformation from the graduates from the civvy street to disciplined, professional, and highly motivated officers of this great Indian Army of ours, providing leadership to the finest soldiers on the globe. All of you seated here today are the leaders of the future of this great nation of ours, the saviors of the integrity of our motherland. You all are going to be the trendsetters of the youth of this great nation of ours. You today stand on the threshold of a new way of life, a career that you all have chosen for yourself. Go out there and prove to yourselves worthy of this faith imposed in you. We at the IMA shall always pray for you and will always be with you. Jai Hind. Vijay Jyoti. Hello, Ma. Sahi pe na? Aur kya hai? Sab badhiya? Bas ha. 18 din pehle. Haan. Aapko invitation card mil gaya? Acha, baat suno ek. Aru didi ko bol dena, she should make it in time.
Okay? Yeah. One shoulder is yours and another is Arjun's. आपके बिना तभी सब नहीं होगी, ठीक है? अब सवाल हुआ जवाब आओगे तभी, ठीक है? ये लो छपा बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं इससे बात करो। हेलो आंटी, पैरी बंदा आंटी, हाँ जी, ठीक हो आंटी? अच्छा आंटी आपने जरूर आना है, आपके आशीर्वाद के बगैर पीओपी नहीं पूरी होगी हमारी। हाँ आंटी, अच्छा आंटी वो पापा मामा से बात कर लेना आप, तो इकट्ठे आ जाना आंटी आप सारे। हाँ जी आंटी, ठीक है आंटी। अच्छा आंटी अमित से बात करना। ओके आंटी। कितना पावन और पवित्र रिवाज है, एक साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद माँ बाप को ही गौरव दिया जाता है कि वो अपने बच्चे के कंधे पर तमगा लगाए और उसे जेंटलमैन कैडेट से ऑफिसर बनाए। जी हाँ, एक साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद जब माँ बाप वो तमगा लगाते हैं तो शायद यही कहते हैं, बेटा आगे बढ़, पीछे मुड़कर मत देख, क्योंकि अब तेरे कंधों पर सिर्फ हमारी जिम्मेदारी ही नहीं पूरे भारतवर्ष की जिम्मेदारी है। ये वही अवसर है जिसको ट्रेनिंग के वक्त उसके सीनियर्स ने सिखाया है। कैडेट, सबसे पहले देश का सम्मान, उसके बाद उनकी सुरक्षा जिन्हें तू लीड करता है, तेरे जवान, और आखिर में इस सब के बाद तेरी अपनी सुरक्षा। इसी वजह से तो भारतीय अफसर एक है जो सामने से लीड करता है। फाइनल स्टेप, ये आखिरी पायदान कोई मामूली पायदान नहीं, इसको पार करते ही एक जेंटलमैन कैडेट बन जाता है एक ऑफिसर, जो होता है हमारा निगहबान, जिसकी वजह से हम लोग महफूज रहते हैं। आप जब टीवी के सामने यहाँ बैठे हैं, शायद खाना खाते हुए, वो लोग हमारी निगहबानी में लगे हैं ताकि हम लोग महफूज रह सकें, शांति से सो सके। हम विजय ज्योति टीम और पूरा जी नेटवर्क ये मौका ढूंढता है और ये मौका लेता है कि हम लेफ्टिनेंट अमित भारद्वाज और लेफ्टिनेंट अर्जुन प्रताप सिंह छब्बा को शुक्रिया कहें, क्योंकि उनकी वजह से हम आईएमए की कहानी आप तक पहुंचा सके। आज जाते वक्त मैं आपसे छोटी सी बात नहीं कहूंगा, बल्कि एक आग्रह करूंगा, एक अनुरोध करूंगा। सड़क चलते, बाजार में, ट्रेन में या कहीं पर भी अगर आपको कोई आर्मी का ऑफिसर या जवान दिखे, हाथ बढ़ाकर हाथ जरूर मिलाइएगा और शुक्रिया भी कहिएगा। कम से कम हम लोग इतना तो कह ही सकते हैं, जय भारत जवान, जय हिंद। Vijay Jyoti Vijay Jyoti
पहले तो